अभी हम लोग अपोलो सैटर्न 5 सेंटर जो है कैनेडी स्पेस सेंटर का, उसके जस्ट बाहर हैं। हम लोगों ने अंदर घूम लिया, बहुत सारा शोज हमने कवर किया और साथ में जो यहाँ पर रियल रॉकेट के जो पार्ट्स यहाँ रखा हुआ है, अलग अलग जो अपोलो मिशन था मून में जाने के लिए उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है रखा हुआ है, एस्ट्रोनॉट्स के ड्रेसेस रखे हुए हैं, सारा हमने देखा। अब हम लोग खड़े हैं जहाँ पर, यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह जो कह सकते हैं कि सारा जो यहाँ पर हो रहा है, इतना बड़ा एक रिसर्च फैसिलिटी है, इतना बड़ा एक सेंटर है नासा का, उसका जो प्राइमरी पर्पस है यहाँ से रॉकेट लॉन्च करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, वो यहाँ पर होता है जो हमारे सामने अभी दिख रहा है। तो मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से ये रॉकेट लॉन्च होता है और यहाँ पर व्यूइंग प्लेटफॉर्म भी है। ये है जो व्यूइंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गैलरी बना हुआ है, यहाँ से लोग बैठ के लॉन्चिंग देखते हैं जब भी कोई लॉन्चिंग होता है। 2 हफ्ते पहले एक लॉन्च हुआ है जो टेस्ट लॉन्च है फॉर द नेक्स्ट मून मिशन, और ये दूर आपको दिखेगा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ से लॉन्चिंग होता है। ऑफकोर्स डिस्टेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो कॉमनली एक्सेस्ड बाई पब्लिक है, सो यहाँ से काफ़ी दूर जो है, लेकिन यहाँ से क्लियर व्यू आता है लॉन्चिंग का। सो आपको पानी के उस साइड जो लैंड दिख रहा है वहाँ पर लॉन्चिंग स्टेशन है, और ऑफकोर्स यहाँ से लोग देखते हैं जब लॉन्चिंग इवेंट होता है। लॉन्च इवेंट के साथ कोइंसाइड करके आप अगर यहाँ पर आ सके तो दैट इज़ द बेस्ट, बट जनरली वो होता नहीं है बिकॉज लॉन्चिंग डेट्स पहले से पता नहीं होता है, और हमेशा लॉन्चिंग के टाइम में टिकट यहाँ पर आपको मिलेगा, जनरल टिकट, दैट ऑल्सो आई एम नॉट श्योर। ये जो एरिया है ये अगेन अपोलो सैटर्न 5 सेंटर है जिसमें मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस है। बाहर ये कैफ़े है, कैफ़े के अंदर बैठ के हमने लंच किया, ये बाहर है। सो दिस इज़ द होल एरिया, एंड ऑफकोर्स अगेन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ से लॉन्चिंग होता है। और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे मेन जो विजिटर सेंटर है वहाँ पर, जहाँ से हम लोगों ने बस लिया था, वहाँ पर जाके वहाँ के अट्रैक्शंस को हम इसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो है अटलांटिस स्पेसशिप। ये विजिटर सेंटर का ही एक पार्ट है कैनेडी स्पेस सेंटर में। अटलांटिस वाज अ स्पेसशिप ऑर्बिटर जो कि नासा ने कई बार, आई थिंक अराउंड 33 टाइम्स इन्होंने मिशन में भेजा है, एंड इट यूज़ टू ऑर्बिट द अर्थ एंड कलेक्ट एंड सेंड इन्फॉर्मेशन। 2011 में लास्ट मिशन इसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसको रखा गया है यहाँ पर कैनेडी स्पेस सेंटर में, और ऑफ कोर्स दिस इज़ रियल एंड इसका रियल मॉडल डिस्प्ले में है, और इसको इस तरह से डिस्प्ले करवाया गया है कि लोग उसके अंदर भी देख सके कि स्पेसशिप के अंदर क्या है। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये 33 टाइम्स मिशन में गया है एंड टोटल अराउंड 4,800 टाइम्स इट हैज़ गॉन अराउंड द अर्थ। सो अर्थ को ऑर्बिट कर चुका है अराउंड 4,800 टाइम्स। अभी आपको दूर में दिख रहा है, देखिए जो अटलांटिस लिखा हुआ है दैट्स द बिल्डिंग, उसके अंदर है अटलांटिस जो स्पेसशिप है जिसको डिस्प्ले के लिए रखा गया है, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज़ इन दैट बिल्डिंग, मोस्टली ऑडियो विजुअल डिस्प्ले आइटम्स हैं, ऑडियो विजुअल एग्जिबिट्स हैं, और उसके साथ कुछ फन एक्टिविटीज़ भी है जो कि बच्चे इंजॉय करते हैं। सो ये सारा इस बिल्डिंग के अंदर है, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, शेयर करेंगे जैसे जैसे हम लोग उसके अंदर जाके सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। ये रखा हुआ है एक अटलांटिस का एक मॉडल जो कि लॉन्च के टाइम में जैसे दिखता है वैसा एक उसका रखा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो द अटलांटिस स्पेसशिप बीइंग लॉन्च्ड, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ द एंट्री टू द मेन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग हमें अभी दूर से दिखाई दे रहा था। सो उसके अंदर अभी हम जाएंगे। एक चीज़ जो हम आपके साथ नहीं शेयर कर पाएंगे यहाँ पर, बिकॉज फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड, विच वॉज अ रियल मिशन एक्सपीरियंस जिसमें एक रूम के अंदर
सबको बैठना होता है और वहाँ पर रियल एक लॉन्च एक्सपीरियंस होता है, जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा है उस टाइम जो प्रेशर होता है, उस टाइम जितना वाइब्रेशन होता है, साउंड होता है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस रूम में बैठ के, जो एक अराउंड 10 मिनट का शो होता है। बट उसमें फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट आपके साथ जो लूज़ चीज़ें हैं उनको ठीक से कहीं पर स्टो कर देना पड़ता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और साउंड होता है, एज इफ़ यू आर इनसाइड अ रॉकेट एंड बींग लॉन्च्ड। सो वो हम लोग आपके साथ यहाँ पर नहीं शेयर कर पाएंगे, बिकॉज़ फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड। अब हम आ गए हैं अटलांटिस सेंटर के अंदर और जा रहे हैं देखने जो मेन अटलांटिस स्पेसशिप है उसका जो डिस्प्लेड है यहाँ पर, जो रियल स्पेसशिप। और उसके बाद एक एक करके हम लोग और भी जो यहाँ के अट्रैक्शंस हैं इस वाले बिल्डिंग का, अटलांटिस स्पेसशिप सेंटर कहते हैं इसको कैनेडी स्पेस सेंटर में, वो भी एक एक करके आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। Thank you.
गाइस हम लोगों का कैनेडी स्पेस सेंटर नासा का ट्रिप यहीं पर आज ख़त्म होता है। हम लोगों ने फुल डे एक इवेंट पैक्ड डे स्पेंड किया और यहाँ पर जो अलग अलग एग्जिबिट्स हैं, जो अलग अलग एक्टिविटी है, ये सब थोड़ा बहुत एडुकेशनल है। सो रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट, मून मिशन, मार्स मिशन, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है और साथ में एंटरटेनमेंट तो है ही है। सो ये सब कुछ मिला के ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू बी इन फॉर अ डे एंड एन्जॉय योर डे एंड लर्न अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस इंजीनियरिंग, अ लिटिल बिट ऑफ मून मिशन, मार्स मिशन, एवरीथिंग। सो दिस इज़ रियली रियली रिकमेंडेड एक्टिविटी व्हेन यू कम टू ऑरलैंडो। वी एन्जॉयड इट अ लॉट। The only thing is that it was very cold, but यहाँ पर जो activities है वो mostly inside है, indoor है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है क्योंकि open में activities कम है, mostly things are inside। जो rocket launch simulation था that was very good, we were inside a room which was actually simulating the rocket launch। तो हमें जैसे rocket launch के time में vibration होता है, एक एक stage पे जैसे रॉकेट का स्टेज होता है, कहीं पर पेलोड को जेटिसन कर देता है, उसको छोड़ देता है। सो इस टाइप के जो अलग अलग चीज़ है, हम जब पूरा एक्सपीरियंस होता है कि पहले उसका एग्जॉस्ट फ्यूल होता है, उसके बाद फ्यूल टैंक को छोड़ देता है, फिर ऊपर उड़ जाता है, फिर ऑर्बिट में घुस जाता है, तो ऐसे करके अलग अलग एक्सटर्नल टैंक को एक टाइम में स्किप कर देता है। सो ये सब एक्सपीरियंस हुआ। सब कुछ हम वीडियो नहीं कर पाए बिकॉज इन सब जगह पर वीडियो पॉसिबल नहीं है करना, तो इसीलिए ब्लॉग में जितना हो सका हमने कैप्चर किया है, बट ऑफकोर्स इट कैन नॉट बी कम्पेयर्ड विद योर एक्सपीरियंस व्हेन यू कम हियर, बट स्टिल ब्लॉग में हमने थोड़ा सा कोशिश किया है कि थोड़ा आइडिया देने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प हो। राइट, एग्जैक्टली। सो विद दैट वी कंक्लूड आवर ब्लॉग हियर एंड सी यू अगेन इन अनदर ब्लॉग वेरी सून। टिल दैट टाइम, have a nice time. Bye.